गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर इज साइक्लोन। साइक्लोन बेटा आपको पता होगा क्या होता है। साइक्लोन का मतलब होता है समुद्री चक्रवात, है ना, आपने सुना होगा। तो हमने इससे पहले अपने डिज़ास्टर के कुछ और पॉइंट्स भी पढ़े थे, जिसमें हमने लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा था, है ना, और भी कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। तो अब हमारा साइक्लोन है, तो साइक्लोन में हम पढ़ेंगे कि साइक्लोन क्या है, कहाँ आता है, किस तरह के एरिया में आता है और ये किस तरह का डिज़ास्टर क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखिए साइक्लोन क्या है। बेसिकली ये जो है आपने देखा होगा कि नदी के किनारे, है ना, सी वाले एरिया, उन एरियाज़ के आसपास आता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ क्या हुए? कोस्टल एरियाज़ जैसे कि आप एग्जांपल बता सकते हैं, मुंबई का एग्जांपल दे सकते हैं, गोवा का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। तो इन एरियाज़ के आसपास समुद्री चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। अब साइक्लोन जब आए तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? साइक्लोन जब आते हैं तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या क्रिएट होती है कि ये समुद्र के साथ चक्रवात जब आता है, बहुत मतलब तबाही लाता है। ठीक है, साइक्लोन के फॉर्म में, मतलब कि सर्कल की तरह ये चक्रवात घूमता हुआ पानी को अपने साथ लाता है और जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर उसको हार्म करता है। जैसे इन्होंने इसका बताया है कि इसकी जो वेलोसिटी है विंड्स की, इसकी कितनी है, इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड रहती है। ठीक है, तो ये साइक्लोन का इन्होंने स्पीड के बारे में बताया है कि साइक्लोन जो है इस स्पीड पर आती है और साथ ही साथ बहुत तेज़ हवा, हैवी रेन और हैवी एयर दोनों इसके साथ आता है। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और बारिश के साथ साथ समुद्री चक्रवात भी ये आता है। इसका मेन कॉज क्या है? इसका क्या होता है, मेन कॉज ऑफ साइक्लोन इज फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो एयर प्रेशर ओवर सी। ठीक है, ड्यू टू दिस लो प्रेशर सम स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स अराइज इन द सी विच आर कॉल्ड स्ट्रॉम सर्च। इसको हम स्ट्रॉम सर्च भी कहते हैं, जब स्पेशल तरह की कोई वेव्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो साइक्लोन है इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये फ्लो चार्ट में बताया हुआ है, ये देखिए इसके अलग अलग तरह के नाम हैं। जैसे नॉर्मली हम इसको साइक्लोन भी कहते हैं, ठीक है, कई जगह इसको हरिकेन भी कहते हैं, कई जगह इसको वेले वेले भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह इसको टाइफून कहते हैं। ठीक है, कई जगह इसको टोरनेडो कहते हैं। तो ये साइक्लोन के फॉर्म है, नाम है। जैसे कि साइक्लोन, जहाँ पर साइक्लोन कहते हैं वहाँ पर इनका, इसका जो नाम है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ईस्ट इंडिया, उड़ीसा, इन एरियाज़ में इसका नाम साइक्लोन है। ठीक है, हरिकेन किस किस जगह, जैसे नॉर्थ अंटार्कटिका वाला एरिया हो गया, है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश जैसे एरियाज़ में। ठीक है, वेले वेले कहाँ कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, टाइफून कहाँ कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, चाइना, जापान, कोरिया, आइसलैंड में, है ना, इन एरियाज़ में। उसके बाद आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो ज़्यादातर जर्मनी और यूएसए में कहा जाता है। ये इसके डिफरेंट नेम्स है कि साइक्लोन क्या है और इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, साइक्लोन से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इसके मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिज़ास्टर। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम इसको थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, इसके मैनेजमेंट को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पहला कि साइक्लोन से पहले कैसे इंतज़ाम होने चाहिए, दूसरा जब साइक्लोन आया उस समय कैसे इंतज़ाम होना चाहिए, और तीसरा साइक्लोन के बाद आफ्टर, ठीक है, कैसे इंतज़ाम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइक्लोन के समय क्या प्रॉब्लम आती है और किस कैसे इंतज़ाम होना चाहिए। जब हमें पता है कि इस एरिया में साइक्लोन आते हैं, ये वाले एरियाज़ हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर वार्निंग जैसी चीज़ें, मतलब कि हमें वार्न रहना है हर समय। हमें पता होना चाहिए कि इन एरियाज़ में साइक्लोन आते हैं, तो हमने अब खुद को किस तरह रेडी रखना, खुद को किस तरह तैयार करना है। ठीक है, उस एरिया के जो रेजिडेंटल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को किस तरह सेफ़ जोन में रखना है। ठीक है,
वहाँ का जो रेजिडेंटल एरिया है वो किस तरह और कितना इफेक्ट होता है अगर साइक्लोन आता है, इससे रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करना और उसकी मैनेजमेंट करना। उसके बाद ये हमें पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन है कब आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में आता है, ठीक है। तो इन डेज़ में क्या होना चाहिए कि जो शिप्स वगैरह चलाते हैं, बोट्स चलाते हैं, जो फिशरमैन हैं उनको कहा जाए कि आप अवॉइड करें उन एरियाज़ में, नदी तट के किनारे जाना, ठीक है, या बोटिंग करना, या फिशिंग, फिशरमैन जो है फिशेस के लिए जाते हैं। तो ये है साइक्लोन से पहले कि इस तरह हम कर सकते हैं। अब आया, जब साइक्लोन आया तो तब आप क्या करेंगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन सबसे पहले तो हमें यही है कि सभी लोग अपने घरों में रहें, है ना। दूसरा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग फूड सप्लाई करें, ठीक है, लोगों को, जो गरीब लोग हैं या जिनका घर घर उजड़ गया या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करें, है ना। उसके बाद आता है कि स्पेशल ट्रेंड करें लोकल लोगों को, ठीक है, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपने किस तरह रेडी रहना है और किस तरह खुद को बचाना है और किस तरह अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प करनी है। तो हम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आफ्टर साइक्लोन जब आकर चला गया उसके बाद क्या करेंगे, है ना। उसमें क्या होगा, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बींग हमारी ड्यूटी बनती है हम सबकी सेफ्टी रखें, ठीक है, अपने आसपास लोगों को की हेल्प करें। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके हम लोग पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड वगैरह दें, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को शिफ्ट किया जाए, हम लोगों को शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरी जगह के लिए कि ये एरिया छोड़िए, इस एरिया से हमें अब दूसरी जगह के लिए शिफ्ट होना है। तो ये हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड बेटा आपको पता होगा, ज़मीन का खिसकना, लैंडस्लाइड, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए आपको। लैंडस्लाइड मतलब कि ज़मीन का खिसकना। अब ये लैंडस्लाइड जो है ज़्यादातर कौन से एरिया में आते हैं? माउंटेन एरियाज में, ठीक है, जो हिली एरिया है, माउंटेनियस वाले एरिया हैं वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो स्लाइड करके पहाड़ों से गिर जाते हैं, कई बार पूरा का पूरा मलबा पहाड़ों से गिर जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेन कॉज क्या है इसका? इसका मेन कॉज है, एक तो जब रॉक टूटते हैं, ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है रॉक्स का, ठीक है, तब वो स्लाइड होकर गिरते हैं। दूसरा, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ खिसक कर आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी रेन भी एक प्रॉब्लम है। ये दो दो स्केल्स में हैपन होता है। एक तो होता है कि हाँ भाई बड़ा स्लोली स्लोली लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, और एक कई होता है कि बहुत फास्टली हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह का है। सॉइल क्रीप में क्या होगा कि मलबे को साथ लेकर आता है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत स्लो और फास्ट दोनों मूवमेंट में, लेकिन बहुत सारी मिट्टी भी साथ में आ रही है। और लैंडस्लाइड में क्या होता है, पत्थर भी होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, पूरा का पूरा ज़मीन और लैंडस्लाइड हो जाता है। ये हिली एरिया में होता है, मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ क्या होता है, इससे जो सॉरी जो यातायात का साधन है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लोग अगर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, पहाड़ अगर मलबा सारा गिर जाए तो कई बार रोड ब्लॉक होते हैं और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और कोई गलती से उस एरिया को क्रॉस कर रहा है तो कई बार जान की भी हानि होती है, खतरा होता है। टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड टू टाइप्स है, रॉक स्लाइड और स्लम्पिंग स्लाइड। ये मैंने आपको बताया था। रॉक में क्या होएगा, पत्थर होते हैं ज़्यादा। स्लम्पिंग में क्या आता है, पूरा मलबा आ जाता है, साथ में मिट्टी रेत जो भी इसके साथ होता है, और ये बहुत सडनली होता है, ठीक है। द रॉक मूव अवे फ्रॉम देयर बेस एंड ग्रेजुअली स्लाइड डाउन। रॉक जो है एकदम से मूव करके स्लाइड डाउन कर जाता है,
इट मे समटाइम टेक अ वीक और मोर, कई बार हफ्ते लग जाता है, धीरे धीरे हो रहा है, एक हफ्ते से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं या एकदम से गिर, इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें अब डैमेज किस तरह का हो जाता है कि लोकल पीपल जो है उनको डैमेज होता है। ठीक है, जो लोकल लोग हैं उनको डैमेज हो जाता है, जो वहाँ पर रहते हैं उनको आने जाने में दिक्कत या रोड ब्लॉक हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम। स्लम्पिंग लैंडस्लाइड में क्या होगा, स्लम्पिंग में होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही तेज़ी से आता है और एकदम पूरा का पूरा हैवी स्पीड के साथ मिट्टी पत्थर सब अपने साथ लाता है, और इसलिए ज़्यादातर हिली एरिया में होता है। तो ये आपको लैंडस्लाइड के बारे में पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इफ़ेक्ट्स की, लैंडस्लाइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है। अब लैंडस्लाइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, जनरल सारे इफ़ेक्ट्स सेम ही होते हैं। जैसे सबसे पहले ह्यूमन बीइंग और नेचुरल सिस्टम जो है उसको ख़राब करेगा, इसको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। जो हमारे पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे होंगे वो भी डिस्ट्रॉय होंगे, पेड़ भी टूट जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पहाड़ खिसक रहा है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर लैंडस्लाइड जो है रेजिडेंटल एरियाज के आसपास होता है जहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी हार्म हो सकती है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं इससे डेथ होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, और कोई एरिया है तो वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, एग्जांपल जैसे 1994 में लैंडस्लाइड हुआ था कारगिल में, ठीक है, कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ, हिमाचल प्रदेश में, इसने बहुत सारी तबाही करी। ठीक है, बहुत सारी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे। सेम ऐसी रोड्स एंड रेलवे लाइंस जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। वो तो हमें पता ही है कि अगर लैंडस्लाइड होगा तो ये रेलवे लाइन और उसको भी ब्लॉक करेगा। कश्मीर का एग्जांपल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का खजियार एरिया का एग्जांपल है, उत्तराखंड का एग्जांपल है, ये सारे के सारे हीली एरिया, जितने भी आपको एग्जांपल हमने बताए ये सारे हीली एरिया, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन जो है वो सारा हार्म हो जाता है, वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, एनिमल्स मर जाते हैं, जो रिवर फ्लो कर रही होती है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, डैम्स वगैरह क्रैक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, और इसकी वजह से वाटर इरोजन भी हो जाता है और सॉइल इरोजन भी होता है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, लैंडस्लाइड की मैनेजमेंट। लैंडस्लाइड की मैनेजमेंट टू टाइप में है। फर्स्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा था, टू टाइप में है कि लैंडस्लाइड से पहले क्या करना है और जब लैंडस्लाइड आया उसके बाद क्या करना है। तो हम पहले इसमें फोकस करेंगे कि लैंडस्लाइड के से पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि इसका मेन रीज़न बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होता है, तो हमें जितना हो सके पेड़ लगाने हैं, जितना हो सके पहाड़ों पर भी पेड़ लगाने हैं। ठीक है, रेजिडेंटल एरिया जो है वो अच्छे से डेवलप होने चाहिए। ठीक है, और जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइड होता है या जिन पहाड़ों के आसपास लैंडस्लाइड होता है उससे थोड़ा दूर होए। ठीक है, बिल्डिंग जो है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू एडवाइस लेके अच्छी तरह से बनाना चाहिए। लोकल पीपल जो है उनको सेल्फ हेल्प करनी चाहिए अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, और एक मैनेजमेंट या एक एनजीओ के थ्रू भी अपनी एक टीम बनानी चाहिए जिससे वो इस तरह के डिज़ास्टर और इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। उसके बाद आता है आफ्टर, बाद में। तो बाद में अब जब लैंडस्लाइड आ गया तो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो राहत बचाव का कार्य वो किया जाए, लोगों को बचाया जाए, उनको जो हेल्प चाहिए दिया जाए। ठीक है, ब्लॉकेज जो हो गया, रोड ब्लॉक हो गया है या रिवर ब्लॉक हो गया, उस ब्लॉकेज को हटाया जाए। ठीक है, सेफ्टी मेज़र, स्पेशल सेफ्टी मेज़र देनी चाहिए अगर इस तरह का डिज़ास्टर आता है। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है माउंटेन एरियाज़ में वो अच्छे से मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा लैंडस्लाइड और उसकी मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पर सारे डिज़ास्टर अपने कवर कर लिए हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने सारा पढ़ लिया है। ये हमारे लास्ट के दो रहते थे, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड, ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद है हमारे ये चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए बेटा, क्वेश्चन आया था कि अर्थक्विक क्या है, इसके कॉजेस बताइए, इसके इफ़ेक्ट्स बताइए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आया था साइक्लोन क्या है और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट बताइए ह्यूमन लाइफ पे क्या है।
लैंडस्लाइड क्या है, इसके टाइप्स बताओ, नाम बताओ जो है, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं ये बताओ। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लड्स जो हैं, फ्लड्स किस तरह हार्म कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को ये बताना है। यहाँ भी लैंडस्लाइड का ही क्वेश्चन है, ड्रॉट क्या होता है ये बताना है। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, ड्रॉट, सूखा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको बेटा नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा बताऊंगी जो मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। ये हमने सारा का सारा जो है डिज़ास्टर पढ़े जो कि नेचुरल डिज़ास्टर थे। अब हम करेंगे इसके बाद मैन मेड डिज़ास्टर क्या होते हैं, ये एक ही लेक्चर में शॉर्ट में मैं आपको सारा समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।